जो विंडोज 11 का लीक्ड आईएसओ था वो मेरे को मिला है कहीं से। अब मैं उसको वीएमवेयर वर्क स्टेशन में कैसे इंस्टॉल करते हैं वो बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीएमवेयर वर्क स्टेशन खोलेंगे और इसके अंदर एक जो नया वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है, नई वर्चुअल मशीन होती है, उसको जैसे ही हम जैसे नॉर्मल इंस्टॉलेशन होता है उसी तरीके से ये इंस्टॉल होगा। तो सबसे पहले क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दो ऑप्शन आएंगे, टिपिकल इंस्टॉलेशन और कस्टम इंस्टॉलेशन। अभी टिपिकल ही करूँगा क्योंकि कस्टम लाइक इसमें कुछ है नहीं और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। टिपिकल इंस्टॉलेशन जो है उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलर डिस्क इमेज में जो आईएसओ फाइल होती है वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो भी हमारी आईएसओ फाइल का पाथ होगा। ब्राउज करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मेरी फाइल यहाँ पे थी तो मैंने इसको सिलेक्ट करा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर ऑप्शंस आते हैं आपको सिस्टम सेलेक्ट करने की कि आप कौन सा सिस्टम सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को सिलेक्ट करके, और जो वर्जन है वर्जन के अंदर अभी विंडोज़ 11 नहीं आएगा क्योंकि ऑफिशियल नहीं हुआ ये, विंडोज़ 10 ही सिलेक्ट करेंगे 64-बिट का। फिर नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो फाइल है वो फाइल का नाम, जो भी अपनी वर्चुअल मशीन का नाम देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके, और उसके बाद वर्चुअल मशीन कहाँ पे जाके स्टोर होगी, कहाँ पे उसका डेटा स्टोर होगा, वो ड्राइव और वो पाथ अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। मैंने एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर विंडोज 11 है और इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा जहाँ पे मैं इसकी वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। एक ये नया फोल्डर बना लिया। फिर नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप अपनी डिस्क स्टोरेज कितनी रखना चाहते हैं। 30 GB मेरे हिसाब से मेरे लिए सफिशियंट रहेगा। 30 GB का मैं पार्टीशन बनाऊंगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं कि स्टोर द वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल और एज अ मल्टीपल फाइल। मेरे पास, मैं वैसे भी इसको एक ही डिस्क में इंस्टॉल कर रहा हूँ और मुझे ज़्यादा पार्टीशन नहीं चाहिए। एज अ सिंगल फाइल मैं इसको क्लिक करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है कि आप अपना जो हार्डवेयर है, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उसको आप चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यहाँ पे कस्टम हार्डवेयर का ऑप्शन होता है वीएमवेयर वर्क स्टेशन में। यहाँ से आप कस्टम हार्डवेयर कर सकते हैं इसका, जो भी हार्डवेयर प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली वो चेंज कर सकते हैं। बट टोटली सारी चीज़ें डिपेंड इस पे करती है कि आपका जो नेटिव सिस्टम है, जो भी आपका पेरेंट सिस्टम है, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या 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 चीज़ें अवेलेबल नहीं है। जो भी आपके सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग ही ये सब चेंजेस होंगे। यहाँ पे मेरी बेसिक जो डिफ़ॉल्ट रैम होती है वो 2 GB की होती है, इसको मैं 4 GB पे कर रहा हूँ ताकि थोड़ा ऑप्टिमाइज रहे और थोड़ा स्मूथ चले। इसके अलावा ऑप्शन होते हैं मेमोरी, प्रोसेसर और नेटवर्क अडेप्टर, यूएसबी कंट्रोलर, साउंड कार्ड, प्रिंटर और डिस्प्ले को चेंज करने की। वो मैं डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा और इसके बाद क्लोज कर देंगे इसको ताकि ये सेव हो जाए। इसके बाद हम फिनिश पे क्लिक करेंगे और हमारी वर्चुअल मशीन बन जाएगी यहाँ पे ऐसे। इसके बाद ये वर्चुअल मशीन खोलने का जो ऑप्शन आएगा, इस वाली विंडो में अपने को क्लिक करना है पावर ऑन द वर्चुअल मशीन पे। पावर ऑन द वर्चुअल मशीन पे क्लिक करने के बाद जो वर्चुअल मशीन होगी वो लोड अप होगी। इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जैसे ही वीएमवेयर में मशीन लोड होती है, लोड होनी चालू होती है, वैसे ही आपको एक बार अपनी स्क्रीन पे क्लिक करना है। स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी आप वीएमवेयर की विंडो के अंदर आपका जो कंट्रोल होगा वो चला जाएगा। उस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आप विंडोज़ के कंट्रोल पे रहेंगे या जो आपका नेटिव सिस्टम है उसके कंट्रोल पे रहेंगे। इसके कारण जो बूटअप होता है वो काफ़ी बार टाइम आउट हो सकता है क्योंकि 1 सेकेंड के आसपास लगभग टाइम मिलता है क्लिक करने के लिए। जैसे अभी अपन देखते हैं यहाँ पे, जैसे ही आप खुला वैसे ही आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एनी की प्रेस, एनी की करेंगे, कोई भी की दबाएंगे, आप कोई भी क्लिक करेंगे तो ये बूटअप चालू हो जाएगा। जो भी सिस्टम फ्लैश होना है वो चालू हो जाएगा। अगर क्लिक नहीं करते हैं तो उतनी देर में टाइम आउट हो जाता है। यहाँ पे विंडोज़ लोड होनी चालू हो गई है। सबसे पहले ये एक्सट्रैक्ट करेगा चीज़ों को, उसके बाद कुछ ऑप्शंस आएंगे वो पूछेगा और उसके बाद इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगी, जैसे कि नॉर्मल विंडोज़ इंस्टॉल होती है वैसे ही होगा सब कुछ। और ये एक लीक्ड वर्जन है और टोटल जो स्टेबल रिलीज है वो नहीं है ये। इसके अंदर फीचर्स थोड़े लिमिटेड हैं लैंग्वेजेस और रीजन को लेके, टाइम को लेके। वो लिमिटेड चेंजेस के साथ इन चीज़ों को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए इंग्लिश यूएस ठीक है, इंग्लिश यूएस ठीक है और कीबोर्ड इनपुट इनपुट मेथड यूएस वाला ठीक रहेगा मेरे लिए। मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग्स पे ही। और इसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और सेटअप एक्सट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा, रन होना चालू हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा,
स्टिल हो जाएगा। और जो भी फीचर्स हैं इसके अंदर वो सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे, बट क्योंकि ये एक वर्चुअल मशीन है सो इसके अंदर पूरा का पूरा ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा, चीज़ें बल्क करेंगी, लैगी होंगी, बट एक एक्सपीरियंस हमें मिल जाएगा। उसके बाद एक्टिवेट विंडोज़ के बारे में बोलेगा, एक्टिवेट नहीं करना है बिकॉज लाइसेंस की नहीं है अभी, तो इसके अंदर आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की सिलेक्ट करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। और फिर ये पूछेगा कि आपको विंडोज़ 11 का कौन सा वर्जन इसके अंदर इंस्टॉल करना है, सो उसके अंदर हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी के हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ विंडोज़ 11 प्रो को सिलेक्ट किया है, विंडोज़ 11 प्रो को मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद विंडोज़ 11 प्रो का इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। ये लाइसेंसिंग की जो टर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर की यूज टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। और जैसा हम देख सकते हैं कि जून 2021 में ये अपडेटेड है, सो ये काफ़ी लेटेस्ट है, मतलब कोई पुराना रिलीज़ नहीं है, अभी का ही है, सो ये लेटेस्ट है जो भी है। एक्सेप्ट करके इसको नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करेंगे उसके बाद फिर फर्दर कंटिन्यू होगी इंस्टॉलेशन। यहाँ पे कस्टम इंस्टॉलेशन किया था इसलिए ये ड्राइव का पाथ पूछेगा कि आपको कौन सी ड्राइव में रखना है, क्योंकि हम वर्चुअल मशीन में हैं, यहाँ पे एक ही पाथ आएगा जो सिंगल पाथ हमने सेलेक्ट किया था थोड़ी देर पहले। और अगर अपन वर्चुअल मशीन में नहीं कर रहे हैं, किसी प्रॉपर नेटिव सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, किसी यूएसबी ड्राइव से फ्लैश कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को कस्टम इंस्टॉलेशन पे जाना है, और उसके बाद जो भी ड्राइव हमने एलोकेट करी है या फॉर्मेट करी है नई विंडोज़ के इंस्टॉलेशन के लिए, उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक ही है, मैं इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूंगा, और यहाँ पे फिर जो इंस्टॉलेशन है वो चालू हो जाएगा। पहले विंडोज़ की फाइल्स कॉपी होंगी, उसके बाद इंस्टॉल होगी। ये 0 to 100 का काउंटर है, ऑल द वे काफ़ी धीरे हुआ था, 20-25 मिनट लग गए थे, बट यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया है मैंने इसको। इसके बाद ये फीचर्स इंस्टॉल करेगा, उसके बाद अपडेट्स इंस्टॉल करेगा, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। इसके बाद विंडोज़ काफ़ी बार रिबूट होगी, लोड होगी, सारी चीज़ें होंगी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी फास्ट फॉरवर्ड किया है ये आपके लिए, और जस्ट अ मोमेंट बोल रहा है ये, ओके रुक जाते हैं। ये हमारी नई विंडोज़ का बूटअप एनिमेशन है, और नई आवाज़ सुनने को मिलेगी यहाँ पे, जो स्टार्टअप साउंड होती है, सुनते हैं इसको, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। टोटल न्यू एनिमेशन था, और काफ़ी एक मिनिमलिस्टिक रखा गया है इसके यूआई को और पूरे लुक को। इसके बाद यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्क्रॉल बार आएगी तो 2-4 सेकेंड आप रुकेंगे, उसके बाद स्क्रॉल बार आ जाएगी यहाँ पे, एक बार रीजन को क्लिक करेंगे उसके बाद स्क्रॉल बार आ जाएगी, यहाँ से आप अपना रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंडिया है, मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे ऊपर करके। इंडिया यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, इसके आगे यस करना है। यस करने के बाद ये थोड़ा सा लोड होगा, और जो अपने इनपुट मेथड्स होते हैं, इनपुट मेथड्स के बारे में आपसे पूछेगा ये। इनपुट मेथड मैं यहाँ रखूँगा इंग्लिश इंडिया। इसके बाद ऑप्शन आएगा कि अगर मुझे कोई सेकंड कीबोर्ड या मेथड रखना है तो रख सकते हैं, मेरे को नहीं रखना सो मैं स्किप करूँगा इसको। इसके बाद ऑप्शन हमारे पास, एक बार ये थोड़ा सा लोड हो जाए इसके बाद दूसरे ऑप्शन आएंगे। पहले ये अपडेट्स के लिए चेक करेगा, इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सिस्टम एक तो वर्चुअल मशीन पे है, दूसरा नया है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा इसको। अपडेट्स के लिए चेक हो जाता है, उसके बाद फिर फर्दर कंटिन्यू होगी इंस्टॉलेशन हमारी। जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा उसके बाद दो ऑप्शंस आएंगे हमारे पास। अपडेट तो नहीं हुआ, मतलब अपडेट्स के लिए चेक करा उसने सिस्टम की जो डिफॉल्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके हिसाब से। इसके बाद पर्सनल और वर्क का ऑप्शन आएगा, मैं अभी यहाँ पे पर्सनल सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे पर्सनल यूज़ के लिए इंस्टॉल करनी है विंडोज़। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये हमसे पूछेगा अकाउंट के बारे में, क्योंकि ये एक स्टेबल रिलीज नहीं है और अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। सो ऑल्दो सही है, ये ऑथेंटिक है, बट स्टिल ये रिलीज़ नहीं हुआ है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, इसलिए मैं इसके अंदर अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को साइन इन नहीं करूँगा, और यहाँ पे ऑफलाइन इंस्टॉलेशन मैं करूँगा और ऑफलाइन अकाउंट मैं इसके लिए यूज़ करूँगा। ऑफलाइन अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, और उसके बाद फिर ये मेरा नाम पूछेगा, मोस्ट प्रोबेबली नाम ही पूछना चाहिए। हाँ, लिमिटेड एक्सपीरियंस के साथ हम चालू करेंगे इसको।
बिकॉज अकाउंट सेटअप नहीं किया और नया अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। सो हाँ, अभी से नाम पूछा, अब इसके अंदर अपना नाम एंटर करना है मुझे, कुशाल जैन। ओके, नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद ये पासवर्ड के लिए पूछेगा, पासवर्ड नहीं रखना है इसलिए ब्लैंक रख के ही उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद ये काफ़ी सारी चीज़ों की परमिशन लेना चाहेगा प्रिवेसी के लिए। मैंने हर चीज़ को नो किया है बिकॉज मुझे, मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ शेयर हो। एडवर्टाइजिंग आईडी, लोकेशन, प्रिवेसी, जो भी सेटिंग्स है उसको नो करके मैंने आगे क्लिक कर दिया। जो जो मैंडेटरी टर्म्स थी वो एक्सेप्ट हो गई उससे, और जो कस्टम टर्म्स थी वो नहीं हुई, जिसके ऊपर हम, हमारा कंट्रोल है कि हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। और एक और चीज़, ये वर्चुअल मशीन है इसलिए इसके अंदर रेजोल्यूशन का थोड़ा इशू आएगा स्टार्टअप करते टाइम। स्क्रीन और जो डिस्प्ले है वो छोटा रहेगा, बट एक बार सेटअप हो जाए सब कुछ उसके बाद हम इसका रेजोल्यूशन पूरा का पूरा कर सकते हैं हमारे डिस्प्ले के अकॉर्डिंग। ऑल दो वर्चुअल मशीन में VMware में ऑप्शंस होते हैं कि अपन स्ट्रेच कर लें अपने डिस्प्ले को, बट उससे जैसे आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेच तो हो गया बट इससे क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आई और चीज़ें खिंची खिंची हो गई हैं। उसके बाद थोड़ा सा और लोड होगा स्टार्ट होने से पहले, और उसके बाद फिर ये कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही ये बोलेगा ऑलमोस्ट देयर, और उसके बाद फिर हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा। ये नई विंडोज़ चालू हो गई है, और फर्स्ट लुक देखा जाए तो इसके अंदर जो विंडोज़ बटन है और जितने भी ऑप्शन है वो सेंटर अलाइन कर दिए गए हैं। और इसके अलावा हाँ, स्टार्ट बटन, सर्च, सब कुछ सेंटर में है। कॉर्नर्स राउंडेड, एकदम ही नया UI। सबसे पहले रेजोल्यूशन को फिक्स करते हैं। रेजोल्यूशन इसके अंदर सर्च करेंगे, हाँ पे करेंगे, अच्छा नॉर्मली सर्च कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, रेजोल्यूशन मैं सर्च करूँगा यहाँ पे। रेजोल्यूशन में जाने के बाद मेरे ख्याल से विंडोज 10 जैसा ही होना चाहिए ये। हाँ, विंडोज 10 जैसा है। इसके अंदर डिस्प्ले का रेजोल्यूशन हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और नहीं चेंज करना पड़ेगा शायद। हाँ, ये वाला शायद ठीक रह सकता है। कीप द चेंजेस और उसके बाद फिर कंटिन्यू। अबाउट में देखेंगे, अबाउट के अंदर काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से नया मिलना चाहिए, नई चीज़ें मिलेंगी। अबाउट के अंदर Windows 11 Pro वर्जन डेव इंस्टॉल्ड ऑन 20 जून 2021, सब कुछ आ गया नया। और सारी डिटेल्स हैं इसके अंदर, और जितने भी आइकन्स हम देख रहे हैं, आइकन्स में एक नया लुक आया है। काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट एप्स चेंज हो गए, जैसे पिक्सआर्ट मुझे नया देखने को मिला है यहाँ पे। और जो भी UI है वो उसके कॉर्नर्स हैं जो पहले शार्प कॉर्नर से वो राउंड हो चुके हैं। बढ़िया लग रहा है काफ़ी, देखते हैं इसको। और होम पे जाके थोड़ा एक्सप्लोर करने में टाइम लगेगा, थोड़ा लैग कर रही है मशीन बिकॉज वर्चुअल पे है, वही बात हमारी, चीज़ें आने में टाइम लग रहा है। और मेरे हिसाब से इसके अंदर फीचर्स भी पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि लाइसेंस की नहीं डाली है यहाँ पे अभी, पर्सनलाइज करके देखें। यू नीड टू एक्टिवेट विंडोज़ बिफोर यू कैन पर्सनलाइज योर PC। सो शायद कुछ दिक्कत है, शायद प्रो में नहीं मिलेगा। होम मेरे को करना चाहिए था, अगर शायद मेरे को होम में मिल जाते सारे फीचर्स, बट कोई बात नहीं, वॉलपेपर सेम है, कोई बात नहीं। कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं कर पा रहे मेरे ख्याल, थीम और फॉन्ट्स पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है, जहाँ तक कलर्स भी चेंज नहीं कर सकते, फॉन्ट्स नहीं, फॉन्ट्स भी चेंज नहीं कर सकते, और हाँ कोई भी चीज़ का कस्टमाइजेशन पर्सनलाइजेशन नहीं कर सकते बिकॉज एक्टिवेटेड नहीं है इस हिसाब से। ओके, इसके बाद हम देखेंगे। हाँ, रिफ्रेश वाला जो है ये पैनल थोड़ा ठीक सा लग रहा है, थोड़े से कॉर्नर इसके राउंडेड हैं। एक्शन सेंटर्स के भी देखे थे मैंने, वो भी राउंडेड थे। फाइल एक्सप्लोर खुला है, फाइल एक्सप्लोर में जहाँ पे भी अपन अपना मैक्सिमाइज का ऑप्शन होता है वहाँ पे लेआउट्स के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। लाइक एज विंडोज 10 जब थी, विंडोज 10 के अंदर सिर्फ अपने को दो ऑप्शंस मिलते थे, वो भी ऐसी किसी जगह पे नहीं आते थे, अपने को विंडोज़ की और जो लेफ्ट और राइट एरो है इसको दबा के स्विच करना पड़ता था। इसके अंदर 6 ऑप्शंस दिए गए हैं साइड बाय साइड, मतलब स्प्लिट स्क्रीन के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। 3-4 हम डिस्प्ले रख सकते हैं, 3-4 मेन्यूज़ को साथ में खोल के रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो फोल्डर्स दिख रहे हैं वो फोल्डर्स के आइकन्स भी काफ़ी ज़्यादा चेंज है उसके अंदर। एक मेरे को जो एक मैक वाला लुक आ रहा है इसके अंदर, बैड वर्जन ऑफ मैक। तो यहाँ पे हमने 2 लगाई, 2 के बाद एक एज भी खोल लेते हैं। वेलकम टू द न्यू माइक्रोसॉफ्ट एज।
खुल जा भाई। ये विंडोज के एनिमेशन भी अलग है थोड़ा सा, विंडो की विंडोज बटन हम जब प्रेस करते हैं उसके बाद उसके एनिमेशन में भी थोड़ा फर्क है। अच्छा ये ऐसे नहीं आता क्या? अच्छा सारे एप्लीकेशंस खुले हुए होने चाहिए जिस टाइम अपन करना है। ओके फिर अपन इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस वाली एप्लीकेशन को कहाँ पे हमें फिट करना है। ओके सो ये तीन एप्लीकेशन हो गई। इसी तरीके से एक चौथी भी अपन चाहें तो चौथी भी यहाँ पे साइड में लग सकती है, इस जगह पे जो चौथा कॉलम है वहाँ पे लग जाएंगी। इसके अंदर काफ़ी इजी होने वाला है मल्टीटास्किंग अगर अपन करना चाहें तो। और इसके अलावा यहाँ पे हमें मल्टीपल डेस्कटॉप के स्विच करने के ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। वो विंडोज 10 में भी था, मल्टीपल डेस्कटॉप स्विच कर सकते थे, बट इसका जो यूआई है और जो स्विचिंग का मोड है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके अलावा शायद यहाँ पे विजेट्स भी मिलेंगे, बट विजेट्स अभी एक्टिवेट नहीं हुए हैं क्योंकि इंस्टॉलेशन वही ऑफलाइन वाला किया है, तो विजेट्स नहीं मिले अभी। विंडोज़ अकाउंट लॉग इन करने के बाद शायद मिल सके। और सारी की सारी जो ट्यून्स हैं वो ट्यून्स काफ़ी ज़्यादा अलग हो गई हैं, जितने भी अलार्म्स की और नोटिफिकेशंस की और जितनी भी एरर की ट्यून्स हैं, जितनी भी साउंड्स हैं वो सारी की सारी चेंज हो गई हैं। स्टार्टअप साउंड और स्टार्टअप एनिमेशन भी हमारा चेंज हो चुका है इसके अंदर पूरी तरीके से, और काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। और इसके अंदर एक टैबलेट मोड को हटा दिया गया है, पहले से जो टैबलेट मोड था वो हट गया है, अब टैबलेट मोड नहीं रहा। यहाँ पे हम शटडाउन करने के लिए जो ऑप्शन होता है, शटडाउन करके देखेंगे तो यहाँ पे विंडोज 11 शो करेगा कि विंडोज 11 है, जैसे यहाँ पे विंडोज 10 शो करता था। विंडोज़ का लोगो भी थोड़ा चेंज हो गया है, आंखों में अभी सेट नहीं बैठ रहा क्योंकि एक स्लांट 3D टाइप लोगो था विंडोज 10 का, बट ये एकदम स्ट्रेट हो गया है। सो थोड़ा अजीब लग रहा है बट आंखों को आदत पड़ जाएगी। शट डाउन करते हैं इसको, और हाँ शट डाउन ये हो जाएगा, शायद हो जाना चाहिए बिल्कुल। सो ये शट डाउन हो रहा है, मैं भी चलता हूँ। विंडोज़ शट डाउन, खुशहाल जैन शट डाउन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आप लोगों को कुछ सजेशंस देने हैं और कुछ इसके रिगार्डिंग डाउट्स है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।